ब्रास आइटम होते हैं फ्रेंड्स, उनको देखते ही मुझे तो फेस्टिवल वाली वाइब फील होने लगती है। क्या आपको भी फील होती है? हेलो एंड वेलकम बैक टू ममताज क्रिएटिव कोजी नुक। फ्रेंड्स, आज फेस्टिवल की तैयारी के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही आसान सा DIY, जिससे हम अपने घर को बहुत एक्सपेंसिव सा लुक दे सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए जो हमारे घर में डिस्कार्डेड आइटम्स होते हैं ब्रास के, और अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए मेरे पास दो टिप्स हैं। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए चलते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने अपने पूजा घर में काफ़ी चीज़ें ढूंढी, तो मुझे मिली है ये घंटी, पुरानी जो पूजा की घंटी है, कुछ ये हैंगिंग बेल हैं, मूर्ति वगैरह हैं। तो देखती हूँ मैं ये कौन कौन सी चीज़ें मैं इसमें यूज़ करूँगी। इन ब्रास आइटम को हैंग करने के लिए मुझे चाहिए था कुछ बेस इसके लिए, तो मैंने सोचा मैं फोटो फ्रेम टाइप बनाऊं। तो उसके लिए मैं ये प्लाईवुड के जो मेरे पास टुकड़े पड़े थे उनको यूज़ कर रही हूँ। आप इस टाइप का फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कोई पुराना फ्रेम है। तो इन प्लाईवुड के पीस को मुझे फ्रेम बनाना था, तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है पुराना एक झाड़ू था, उसका जो हैंडल होता है वहाँ पर जो वुड्स होती हैं, स्टिक्स होती हैं, वो मैंने यूज़ की हैं। आपने मेरा जो प्रीवियस वीडियो है PVC पाइप वाला, उसमें भी देखा होगा मैंने झाड़ू का यूज़ किया था। तो उनको मैंने ये फेवी बॉन्ड की हेल्प से चिपका दिया और उनसे फ्रेम बना दिया। इन फ्रेम्स को विंटेज लुक देने के लिए इसका मैं बेस कोट तैयार करूंगी। इसको मैंने पेंट कर दिया है ब्लैक कलर से और इसका एक बहुत खूबसूरत सा लुक निकले विंटेज वाला, तो मैं ब्राइट कलर्स यूज़ कर रही हूँ। फिर आप अब देखिए कि वो विंटेज लगता है या नहीं। और इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इसके एजेस पे मैं करूँगी गोल्डन पेंट। ये ब्रास के आइटम मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये बेल हो गई या ये आचमनी हो गई या ये नटराज की जो मूर्तियां हैं, ये सब मेरे लिए थोड़ा सा सेंटिमेंटल वैल्यू भी रखती हैं। ये वाकई में विंटेज हैं, 40-50 साल पुरानी ये है। ये दीदी लोगों को इनाम में मिली थी, कुछ ये घर में थी, वो मैं लेके आई हूँ। तो और इनको अब ब्रास वाला लुक देने के, क्योंकि ये कॉपर में है, तो इसके लिए मैं गोल्डन पेंट यूज़ कर रही हूँ ताकि ये जो बड़ी वाली बेल है, हैंगिंग बेल है, उसके साथ मैच करे। तो इसको मैं पेंट कर रही हूँ गोल्डन कलर में। मेरे पास इसको हैंग करने के लिए इस टाइप के जो फोटो फ्रेम्स आते हैं ना, उसके पीछे वाला हुक था नहीं, नियर बाय भी वो कहीं मिला ही नहीं मुझे किसी शॉप में। तो फिर मैंने
इसके लिए भी किया एक जुगाड़। ये इस तरह इस टाइप की छोटी छोटी कील हैं, देखिए वो मैंने फिक्स करी है इसके दोनों एंड पे, यहाँ पे और यहाँ पे, और फिर पीछे मैंने इसमें एक ये जूट रोप इसमें अटैच कर दिए ताकि इसको हैंग भी करेंगे तो ये सामने से नजर ना आए। और ये सबसे बड़ा वाला फ्रेम है तो, और इसमें मैं जो मेरी जो बेल है वो काफ़ी हैवी है, वो हैंग करने वाली हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये इस तरह का एक नेल है इसको मैं अटैच करूँगी। ये फ्रेम तैयार होने के बाद मुझे लगा कि जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको मैंने यूज करना है, इनको मैं फेविबॉन्ड या ग्लू स्टिक किसी और चीज से मैं इसको चिपका सकती हूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ तो मैंने यहाँ पर इन्हीं के मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर छोटी छोटी ये नेल फिक्स कर दी है। और इनको ये बाद में नजर ना आए तो मैंने इनको गोल्डन पेंट से पेंट कर दिया है। प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दो टिप्स बताऊंगी, तो उनमें से एक है कि अगर आपके पास कोई सा भी ब्रास का आइटम नहीं है तो आप अपने बच्चों के कोई से भी टॉय होंगे, प्लास्टिक के होंगे, सिलिकॉन के होंगे, जो एनिमल्स या कुछ भी फिगर टाइप का बना होगा, उसको जस्ट आपने क्या करना है, गोल्डन कलर के स्प्रे पेंट से उसे स्प्रे कर दीजिए और वो बन जाएगा आपका बहुत ही एक्सपेंसिव सा डेकोर पीस। और जो दूसरा है वो थोड़ा कॉमन है कि आपके पास जो पिछले साल के कुछ मूर्तियां होंगी या कुछ दिए होंगे या इस टाइप के कुछ भी टेराकोटा के आइटम होंगे, उनको भी आप गोल्डन पेंट करके बहुत एक्सपेंसिव सा डेकोर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स? अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनको मैं कहना चाहती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया है कि मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं तरह तरह के कॉन्टेंट आपके लिए क्रिएट करूँ। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहिए और देखते रहिए ममता क्रिएटिव कोजी लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।